दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। तेलंगाना में ऑल लॉकडाउन के अफवाहों के दरमियान 26 मार्च 2021 बरोजे जुमा को रियासती असेंबली के जारी अजलास में खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजह किया है कि किसी भी कीमत पर तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं होगा, आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने तेलंगाना आवाम से कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़रूरी इकदाम जैसे सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना, कोविड गाइडलाइंस फॉलो करना, मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और बड़े इस्तेमाल जैसे शादियों और आवामी जलसों से एहतियात करने की हिदायत दी। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR ने स्कूलों से मुतालिक कहा कि स्कूल ज़्यादा अरसे तक बंद नहीं रहेंगे। रियासत तेलंगाना में COVID-19 के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तेलंगाना जुमेरात को कोरोना वायरस के 518 नए केसेस और 3 अमवात की इत्तला मिली, जबकि GHMC के इलाके में 157 नए केसेस दर्ज किए गए और पड़ोसी ज़िला रंगारेड्डी में 38, मिर्जर मिर्किजगिरी में 44 और संगारेड्डी में 21 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए। मुल्क भर में एक दिन में 59,118 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज किए गए और कोरोना वायरस से 257 अमवात दर्ज की गई, जो इस साल की एक दिन की सबसे ज़्यादा तादाद है। रचाकुंडा पुलिस ने 2 बदनाम जमाना बैन-उल-क़ौमी मुजरिमों को गिरफ्तार किया और 2 मुल्कों से तैयार करदा पिस्तौल और 4 लाइफ राउंड जब्त कर लिए। एडिशनल CP रचाकुंडा सुधीर बाबू ने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई। देखिए मोहम्मद अली की ये खास रिपोर्ट। बरोजे जुमा को हैदराबाद में मरकजी हुकूमत के पामर पॉलिसी के खिलाफ भारत बंद के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा ने रैली निकाली। हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पर है। COVID-19 वबाई बीमारी के बाद वजीर आजम का गैर मुल्की मुल्क का ये पहला सरकारी दौरा है। हिंदुस्तानी वजीर आजम ने ढाका में बांग्लादेश के नौजवान कारकिनों से भी मुलाकात की और यहाँ उन्होंने बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन से भी मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A18 तेलंगाना में भी आपका इस्तकबाल है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 नौजवानों को जिनके पास 2 देसी पिस्टल मिलने के वजह से गिरफ्तार किया गया है रचाकुंडा एडिशनल कमिश्नर सुधीर सर और उनकी टीम के द्वारा।